मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिंपल सा क्वेश्चन। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन है आपका रूट 64 अपान रूट 0.04 का मान बताओ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका दिल्ली पुलिस, डीपी, बैंकिंग, और अदर एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, लेकिन थोड़ी सी जल्दबाजी करने पर ये क्वेश्चन आसानी से गलत भी हो जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। तो ये सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आपके वर्गमूल का क्वेश्चन है, और वर्गमूल के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हमें वर्गमूल को हटाना होता है। वर्गमूल को हटाने के बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इस साधारण से क्वेश्चन रूट 64 अपान रूट 0.04 का मान क्या होगा। पहला विकल्प जो है ये आपका वो है 0.4, दूसरा जो विकल्प बी आपका है वो है 4, तीसरा जो विकल्प सी आपका है वो है 40, और चौथा जो विकल्प डी आपका है वो है 400। चार विकल्प दिए हुए हैं और ये आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसके वैल्यू को लिख लेते हैं। लिख लिया हमने, ये आपका हो गया रूट 64 बटा नीचे बटा रूट 0.04। इसको क्या करते हैं हम कि वर्गमूल में पता है कि संख्याओं को हम समान अंकों में दो बार तोड़ लेते हैं। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 8 इंटू रूट 8 बटा, फिर रूट का निशान लगाइए आप, 0.04 को लिख सकते हैं 0.2 इंटू 0.2। ये इतना तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि वर्गमूल का मतलब यह होता है कि समान अंक दो बार हो, अर्थात उनका गुणनखंड दो बार हो समान अंकों का, तो वो आपका रूट होता है। तो हमने 64 को क्या किया कि रूट 8 इंटू रूट 8 में तोड़ दिया, 0.04 को 0.2 में तोड़ दिया, क्योंकि दशमलव यहाँ दो अंकों के बाद लगा हुआ है, इसलिए गुणा करेंगे तो दशमलव हमारा दो अंकों के बाद लग जाएगा। अब क्या करते हैं, समान अंकों को रूट हटाने के लिए दो अंकों में से एक अंक को लिख लेते हैं। तो जब दो अंकों में से हमने एक अंक लिखा तो हमारा हो गया 8, और नीचे क्या हो गया हमारा रूट हटाने के बाद, क्योंकि दो में से सिर्फ हम एक अंक लेंगे रूट हमारा हट जाएगा, तो रूट जो हमारा हटा तो हमारा नीचे हो गया 0.2। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट क्योंकि एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए ऊपर हम एक जीरो लिख देंगे। अब हमारी संख्या हुई 80/2, 2 एकम आपका 2 और 2 चरिसयम आपका 80, अर्थात 40/1 मतलब 40 आपका आंसर हो गया। तो विकल्प में आपका रूट 64 अपान रूट 0.04 का आंसर जो होगा वो आपका होगा 40। क्या होगा, 40। तो ये आपका हो गया मेथड 1। अब आइए हम देखते हैं मेथड 2।
आ गया। इसको क्या करेंगे हम कि आपको पता है कि रूट हटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इस संख्या को हम क्या करेंगे, सबसे पहले दशमलव हटा देंगे। तो दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, आपका ऐसे ही पूरी संख्या ये हमने लिखी रूट रूट 0.04, इसको हम दशमलव हटा देंगे। दो अंकों के बाद दशमलव है, ये हो गया 6400/4। अब हम देखते हैं कि 64 को कितने भागों में तोड़ सकते हैं, 80 × 80 और 4 को 2 × 2 में। अब हम क्या करते हैं, समान दो अंकों में से एक अंक को लिख लेते हैं और रूट हमारा हट जाता है, ये हो गया 2 × 1 = 2 और 2 × 4 = 80 अर्थात 40। तो चाहे आप डायरेक्ट रूट को हटा दें या फिर सिंपल जो हमने पहला वाला मेथड बताया है उससे सॉल्व कर लें। ये क्वेश्चन दिखने में बड़े ही सिंपल लगते हैं और एग्जाम में बार बार प्रायः पूछा जाता है, क्योंकि एग्जामिनर का सिर्फ इतना काम है कि वो सिर्फ सिंपल क्वेश्चन देके आपको उलझाता है ताकि गलती करने की संभावनाएं आपके और ज़्यादा बढ़े और जल्दबाजी में आप क्वेश्चन गलत करके चले आए। तो इन क्वेश्चनों को बहुत ही कूल माइंड से सॉल्व करिएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इजिली सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए जो हमने दोनों मेथड आपको बताए हैं इससे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, आप अपनी वैल्यू को पुट करिए और आंसर को गेट करिए। चलिए इसी के साथ ये मैथ का इम्पोर्टेंट सेक्शन खत्म होता है, मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।